हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अद्वि ने यहाँ पे कुछ लिखा है, हेलो, शी इज सेइंग हेलो टू ऑल ऑफ यू। ओके, टाइम हो रहा है 1:30 और लंच का काम, एवरीथिंग इज डन, किचन क्लीन, सब कुछ डन हो गया है। मैं जा रही हूँ बाहर फोटो क्लिक करवाने के लिए, कोई ऐसा फोटो शूट नहीं है, पासपोर्ट के लिए फोटोज चाहिए, तो अभी अपॉइंटमेंट मिला है तो मैं जा रही हूँ बाहर। और बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो चलिए जल्दी से कोट पहनते हैं, पैक होते हैं, उसके बाद चलते हैं बाहर। और बाहर का थोड़ा बहुत कुछ क्लिप रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और फिर शाम तक जो जो होगा एवरीथिंग गोना शेयर विद यू। और ये लड़की अभी तक नहाई नहीं है, इसको शाम को नहाना है, इसने सुबह मना कर दिया तो वो अभी पजामाज में ही है। ठीक है, बहुत ठंड है, माइनस में है बाहर टेम्परेचर। चलो मैं जल्दी से तैयार होती हूँ एंड देन तो चलिए चलते हैं। बहुत ठंडा है बाहर, काफ़ी दूर जाना है मुझे, अच्छी खासी वॉक हो जाएगी मेरी, बट इट्स फाइन, नहीं तो निकलना होता ही नहीं है बिल्कुल भी। पहले समर्स में तो ये था कि अगर बाहर भी ना वॉक करने जाओ तो एटलीस्ट मैं गार्डन में ही वॉक कर लेती थी, लेकिन अब तो गार्डन में भी वॉक नहीं हो पाती है, कुल्फी जम जाती है बाहर निकल के। तो ठीक है, वॉक हो जाएगी, अदरवाइज सिर्फ योगा और मेडिटेशन स्ट्रेचिंग इन्हीं पे ही डिपेंड करते हैं। चलो जी चलते हैं, मास्क पहन लूँ मैं, अभी तो रोड पे कोई है नहीं। चलो लेट्स गो। पहुँच गई हूँ हाफ एन आवर की वॉक करके, इन्जॉय इट। यू नो मोस्टली चीज़ें जो है ना वो बंद है, शॉप्स क्लोज हैं, आप पीछे भी देख रहे हैं एवरीथिंग। तो 26 से ना न्यू रिस्ट्रिक्शंस आई थी और जो यहाँ पे न्यू वेरिएंट आया है कोविड का, एक साउथ अफ्रीका से नया वेरिएंट मिला है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, तो तब से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लोज हैं, ऑलमोस्ट नॉन एसेंशियल शॉप्स जो हैं वो सब क्लोज हैं, लेकिन फ़ोटो वाली गॉड ओपन है। तो अभी मैं जा रही हूँ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, कोई क्यू नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, अपॉइंटमेंट पहले बुक कर लिया था, तो आई वेट फॉर माई टर्न नाउ। चलो सांस चढ़ रहा है मुझे भी एक तो ठंड, ऊपर से मैंने फास्ट वॉक किया है, सो दिस इज, चलो चलते हैं। सो फोटोग्राफ इज़ डन, पासपोर्ट के फ़ोटोज़ ऐसे आते हैं ना बस पूछो ना। और मैं इधर होम बार्गेंस आई हूँ टूथपेस्ट उठाने के लिए, टूथपेस्ट ख़त्म हो गया है और एक दो जगह और देखती हूँ। चलो सो आई हैव डन ऑल द शॉपिंग, इवन मैं पीकॉक्स में भी एक बार गई थी, बट वही ज़रूरत तो कुछ थी नहीं किसी भी चीज़ की, तो बस ऐसे ही राउंड लगाया, वैसे भी कुछ ऐसा सच पसंद भी नहीं आया, बहुत शांति है, बहुत कम लोग हैं, बट फाइन। तो चलिए दोबारा से जो है वॉक शुरू करते हैं, पहुँचते हैं घर और घर जाके जो कुछ भी होगा विल शेयर विद यू। पर तो जाके शावर ही लेना पड़ेगा, एक बनी गई है हैबिट, तो चलो जी चलते हैं बाहर निकलते, इतनी ठंडू लगती है ना, ओ माय गॉड सो कोल्ड। ओके लेट्स गो इनटू फास्ट वॉक अगेन। गेट बंद किया, उधर वो लोग टीवी देख रहे हैं, फिर आवाज आती है। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 4:30 और उधर जो है वो चाय बनने लग रही है, लाइक अभी पानी ही उबलने के लिए रखा है मैंने, उबली गया है, चाय पत्ती डालती हूँ उसमें। और इधर मैंने वॉशिंग मशीन भी ऑन करिए, वूलन्स डाले हैं, मेन जो है वो हमारे क्रिसमस जंपर है, मेरी एक जो रेड वूलन कुर्ती है जो मैं आज कोट पहन के गई थी, वो वाला कोट
चाय पत्ती डाल दी मैंने, थोड़ा कम कर दूँ तब तक रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो रेड वूलन्स जो थे ना वो डाले हैं, तो ये धुल जाएंगे सारी चीज़ें। और मैं घर वापस आ गई थी, आई थिंक 2:45 के करीब मैं आ गई थी। आके फिर मैं नहाई, फिर मैंने सर भी धो ही लिया, मैं कहा चलो सर भी धो लेती हूँ। ये सिर्फ अगर मैं ऐसे ही घूम के आ जाती, कहीं बैठती ना तो फिर भी हो जाता, लेकिन मैं वहाँ जाके उस चेयर पे बैठी, उसने फ़ोटो क्लिक करा, मैंने कपड़े भी लाइक कोट उतारा, हैट उतारी, सारी चीज़ें वहाँ रखी, तो नॉट फीलिंग गुड। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें जो है वो आते ही वॉशिंग पे लगा दी, और मैं भी जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से वॉश हो गई। तो अभी जो है वो चाय पीते हैं, और उसके बाद आज मेरा, बल्कि जो मैं एडिटिंग का काम करती हूँ ना, मेरा वो काम भी नहीं हुआ, तो अभी मुझे वीडियो भी एडिट करनी है जो कल आप लोगों को मिलेगी, तो वो एडिटिंग करूँगी। उसके बाद फिर डिनर टाइम हो जाएगा, और बस दिन कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलता। आज के लिए मैं कुछ और सोच रही थी कि आप लोगों को कुछ जो है प्यारी सी एक चीज़ दिखाऊँ, देखती हूँ अगर वीडियो लंबी ना हुई तो मैं इसी में इंक्लूड कर दूँगी। लेट्स सी शाम तक का क्या सीन रहता है, क्या खाने पीने में बनता है। जल्दी काम निपट गया तो शायद जल्दी हो जाएगा जो मैं सोच रही हूँ, अगर ये लोग वही खाएंगे, बट देखते हैं कि क्या होता है। चलो चाय पत्ती जो है वो अच्छे से उबल गई है, अदरक डालते हैं, दूध डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, और गर्मा गर्म चाय इंजॉय करते हैं। मेरा बड़ी देर से मन कर रहा था, जब से मैं नहा के आई थी ना, कि जल्दी से जो है वो चाय पी लूँ, बट फिर ज़्यादा जल्दी हो जाता, फिर 5 बजे फिर से चाय पीने का मन करता, तो मैं कह नहीं थोड़ा सा काबू में रखो अपने आप को और बाद में। चलो यार मशीन की भी आवाज़ आएगी, मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलिए डिनर बनाना शुरू करते हैं। एक्चुअल में उस दिन शाम को हमने खिचड़ी खाई थी, लेकिन ये रेसिपी मैंने पहले दिन रिकॉर्ड करी थी, और आपने वो व्लॉग देखा था, मैंने आपसे कहा था कि मैं रेसिपी फिर कभी शेयर करूंगी, तो आज ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गोभी शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले वॉक में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, इसके अंदर प्याज मैं लंबी लंबी काट के ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की अनियन ली है, और इसको लेंथ वाइज ही आपको काटना है, फाइनली चॉप करके ऐड ना करें। इस रेसिपी में इसी तरह से जाती है और बहुत मज़े की लगती है। आप चाहें तो पहले से भी काट के रख सकते हैं, मैं इस तरह से काट के डाल देती हूँ, मुझे आदत है। इसके बाद प्याज को हमें हल्का सा ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके साथ ही यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसके अंदर अचारी मसाला, पंचफोरन मसाला बोला जाता है। इसके अंदर 5 स्पाइसेस होते हैं, कलौंजी, मेथी, सौंफ, जीरा और राई। किस तरह से बनता है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद इसको हमें हल्का सा रोस्ट करना है, कि जो टिप्स हैं प्याज की बस वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो, लेकिन पूरी प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन या रोस्ट नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही इसको चलाते रहना है। एंड मेक श्योर जो आपकी हीट है वो मीडियम ही होनी चाहिए। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है यहाँ पर गोभी, जो मैंने फ्लोरेट्स उसके निकाल लिए थे, और नमक के पानी में, गर्म पानी में सोख करके रख दी थी 1/2 घंटे के लिए, ताकि उसके अंदर से सारी इंप्योरिटी निकल जाए। 2 मीडियम साइज के मैंने पोटैटोस लिए थे, जिनको पील करके और लेंथ वाइज मैंने काट लिया है, और वो भी मैंने साथ ही डाल दिए हैं। इसके बाद और हीट मैंने थोड़ी सी कम करी है, और स्लो हीट पर हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। सॉल्ट वगैरह भी कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो हल्का सा इनको हमें रोस्ट करना है, लेकिन कवर करना है। बीच बीच में चलाते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लग जाए, लेकिन हल्का सा क्रस्ट इनके ऊपर आता है, और यही इस सब्जी की ब्यूटी है कि शुरू में सारे मसाले नहीं डाले जाते, पहले दोनों सब्जियों को अच्छे से रोस्ट किया जाता है। तो बीच बीच में आप इसको चलाते रहें, और जब ये आपको लगे कि हाँ 50-60% ये डन हो चुकी है, तब आप इसमें सूखे मसाले डाल दें, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर। मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब तीनों मसाले ये ऐड करे हैं। साथ ही अब हम यहाँ पर इसमें सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, ताकि हमारी जो सब्जी है वो अब जल्दी से गल जाए। तो इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जितने भी मसाले हैं वो सब्जी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए और एक खुशनुमा सा रंग आ जाए इसके ऊपर। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस सब्जी को फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और वेट करेंगे कि ये 80-90% के करीब कुक हो जाए। तो कवर करके 2 मिनट के करीब लगते हैं, आप इसको छोड़ दें। 2 मिनट के बाद लेड हटा के आप देखेंगे तो सब्जी आपकी यहाँ पर ऑलमोस्ट लाइक हो चुकी है। इस पॉइंट पर 2 मीडियम साइज के टमाटोज, जिनको लेंथ वाइज काटा हुआ है, लंबी लंबी हरी मिर्च हैं 2, और साथ ही शिमला
शिमला मिर्च यहाँ पर, लाल और हरी मेरे पास आधी आधी रखी हुई थी तो मैंने वो ऐड कर दी है और वो भी मैंने लेंथ वाइज ही काटी है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और अब आपको 2 मिनट के लिए इसको मीडियम हीट पर कवर करके पकाना है ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। शिमला मिर्च जो है वो हल्की सी क्रंची रहनी चाहिए तभी सब्जी में टेस्ट आता है, अगर वो पूरी गल जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा और इसीलिए वो लास्ट स्टेज पे डाली जाती है। तो फाइनल कुकिंग जो है बस यही है कि टमाटर हमारे गल जाएं, दैट्स इट। और इसके बाद आप इस सब्जी को चला दें थोड़ी देर के लिए, लाइक कवर कर दें, बीच में एक आध बार चला दें, कहीं ऐसा ना हो कि लग जाए। और बस इसको आप यहाँ पर अब देखेंगे सारी सब्जियाँ काट के कि गोभी आलू जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं और कैप्सिकम का अपना एक क्रंच है। इट इज़ सच ए फ्लेवरफुल सब्जी और विद इन 10-15 मिनट्स ये बनके तैयार हो जाती है। फाइनल स्टेज पे आप इसमें खूब सारा हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दें, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, जायका बहुत अच्छा आता है और घर का हर इंसान जो है वो वेट करता है कि जल्दी से बस ये थाली में परोसी जाए और फटाफट खा लें। इस सब्जी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, पूरियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं और अगर आप ब्रेकफास्ट में ये वाली सब्जी बनाएं तो मेक श्योर फिर तो पराठे या पूरी ही बनाएं। हम लोग डिनर में बना रहे थे तो शाम को इतना ज़्यादा हैवी सही नहीं लगता है, कोई ओकेजन हो तो बात अलग है लेकिन डेली में नहीं होता। तो मैं इसके साथ जो है वो फुलके ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर गैस जो है वो बंद कर दी है और हमारी बेहतरीन आलू गोभी शिमला मिर्च की सब्जी बनके तैयार है। आटा मैंने बीच में ही बना लिया था, तब तक सब्जी डन हो रही थी और बस फटाफट अब मैं फुलके उतारना शुरू कर दूंगी। और गर्मा गर्म फुलके, सर्दियों में जो गोभी का टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है। हालांकि यहाँ पे गोभी 12 महीने मिलती है, आप कभी भी ले लो, लेकिन जो सीजन पे सब्जी आती है ना उसका टेस्ट अलग होता है। इन दिनों जो गाजर का स्वाद है, गोभी का स्वाद है, वो गर्मियों में नहीं लगता। सारी सब्जियाँ यहाँ पे 12 महीने मिल जाती हैं लेकिन सीजनल एक अलग ही टेस्ट होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट रोटी सेक लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको टेस्टी सी एक थाली दिखाते हैं। और आप लोग प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, मेरे साथ पिक्चर्स शेयर करना इंस्टाग्राम पे और मुझे ज़रूर बताना कि कैसी बनी और आपके घर में किस सबको कैसी लगी। तो ये है हमारी डिनर की थाली, फूली फूली घी लगी हुई रोटी और साथ में फ्लेवरफुल सी आलू गोभी शिमला मिर्च की सब्जी और साथ में मिर्च का अचार। इट्स सो टेस्टी, ट्राई ज़रूर करना। हेलो अगेन, फ़िलहाल 7:30 बज रहे हैं, किचन का सारा काम निबट चुका है और जैसा कि मैंने दिन में कहा था कि मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को कुछ दिखा दूँ, लेकिन वो चीज़ दिखाने से पहले मुझे इस तरह से रेडी होना था और उसके लिए जो मोटिवेशन था वो थोड़ा सा कम हो रहा था। लेकिन किचन का काम जल्दी से निबट गया, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, टाइम था तो मुझे लगा चलिए करते हैं। तो मैं अच्छे से रेडी होके बैठ गई हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे एज ए न्यू ईयर गिफ्ट आप बोल दीजिए या फिर एज ए क्रिसमस गिफ्ट आप बोल दीजिए, मुझे क्या मिला है। तो मुझे मिली है बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी और इनके लिए मैंने कुछ भी पे नहीं किया है, ना मैंने शिपिंग पे की है, ना मैंने इन आइटम्स का कुछ भी पे किया है। सो दीज आर एज अ गिफ्ट फॉर मी प्रेजेंट्स हैं और ये मुझे सेंड किए हैं SPB इमिटेशन ने। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि करवा चौथ पे भी इन्होंने बहुत ही प्रिटी सा ज्वेलरी सेट मेरे को सेंड किया था, लाइक 2-3 सेट सेंड किए थे और वो मैंने आपके साथ शेयर करे थे और आप लोगों को वो वीडियो इतनी पसंद आई थी, मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि फिर से इनका ज्वेलरी हॉल कीजिए। और उसके बाद आप लोगों ने इनसे बाय भी बहुत कुछ किया है, तो अगेन उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे से यहाँ पर सेट सेंड किए हैं। मैं ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ और ट्राई करके मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ, वन बाय वन करके दिखाऊंगी, प्राइस के साथ एवरीथिंग सारी डिटेल्स मैं दे दूंगी। SPB इमिटेशन एक इंस्टाग्राम स्टोर है जिसका लिंक और इनका फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जितनी भी मेरे पास डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और ये जो आइटम्स हैं ना इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आता है तो आप वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले
लेके आप इनको इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे इनको कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए 10% डिस्काउंट भी अप्लीकेबल है, तो जब भी आप इनसे कॉन्टैक्ट करें इनको पहले बताएं कि आप मेरे चैनल के थ्रू आए हैं, तब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई पर्टिकुलर कोड नहीं है, फिक्स्ड प्राइसेस हैं, लेकिन आपको 10% ऑफ मिलेगा। वर्ल्ड वाइड ये शिपिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो आप दुनिया में कहीं भी हो ये आपको शिप कर देंगे। बस ये है कि आजकल कोविड के चलते शिपिंग जो है वो थोड़ी सी लेट हो जाती है, डिलेड हो जाती है, तो जरा इस बात का ध्यान रखिए अगर आपको एकदम से इमरजेंसी में चाहिए तो थोड़ा मार्जिन लेके, तो इस चीज़ का लाइक शिपिंग का आप ध्यान में रखें कि आपको टाइम लग सकता है। नॉर्मली इनकी जो डिलीवरी है वो लाइक मिल जाती है आपको 6 to 7 वर्किंग डेज में, लेकिन अगर कोविड की वजह से कहीं की फ़्लाइट्स डिले हो रही हैं या कैंसिल हो रही हैं, लिमिटेड एक्सेस है, तो फिर ये आपको थोड़ा सा डिलेड मिल सकती हैं। तो शिपिंग के ऊपर कुछ भी एज सच कन्फर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्ट आपको इतने दिन में डिलीवरी मिल जाएगी। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कि चल क्या रहा है आसपास आजकल। तो चलिए वन बाय वन करके दिखाती हूँ, एंड अगेन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ ज़रूर एक बार चेक कर लें। और जो मेरी पहली वाली वीडियो थी जिसमें मैंने करवा चौथ की ज्वेलरी आपके साथ शेयर करी थी, मैं उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगी, तो उसमें मैंने और भी बहुत डिटेल में बताया था, तो आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। इतनी देर तो इसी में बता दी है, तो चलिए अब मैं आपको वन बाय वन करके दिखा देती हूँ। ऐसा करती हूँ पहले पैकेजिंग में से इनको निकाल लेती हूँ चीज़ों को, और ये मैंने इसीलिए रखी थी ताकि आपको इस तरह से दिखा दूँ कि किस तरह के लाइक इसमें अंदर भी बबल रहता है, कि आप लोगों को दिखा दूँ। तो मैं एक एक चीज़ निकाल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो टेबल पे निकाल के रख ली हैं ताकि आपको इजीली दिखाऊं। तो सबसे पहले है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा गोल्ड मैट फिनिश का एक चोकर काइंड ऑफ सेट, बहुत ही प्रिटी है ये और किसी भी साड़ी के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। और इसकी जो प्राइस है वो है इंडियन रुपीज़ 2100 रुपये, 2100, और इतने प्रिटी से ये चांद वाली काइंड ऑफ इसके इयर रिंग्स हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, पहन के बहुत सुंदर लगेंगे। तो किसी भी सिंपल साड़ी के साथ भी अगर आप इसको पहनते तो ओवरऑल लुक जो है आपका वो बहुत अच्छे से एनहेंस हो जाएगा। और जस्ट लुक एट द फिनिशिंग, फिनिशिंग कितनी प्यारी है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी चीज़ इधर उधर एक्स्ट्रा है। तो फिनिशिंग इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए मैंने सेकंड टाइम भी इनके साथ काम करने का सोचा कि ठीक है हाँ मैं दिखाती हूँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये वाला एक सेट है, तो पहला सेट है ये। इसके बाद इन्होंने मुझे ये सेंड करी हैं ये बैंगल्स और ये डायमंड, लाइक अमेरिकन डायमंड जो होता है ना, जर्कन आई थिंक काइंड ऑफ, तो वो भेजी हैं। बहुत ही प्रिटी सा सेट है ये, तो इसको आप अपनी और चूड़ियों के साथ भी मिक्स मैच कर सकते हैं। और इन वाली बैंगल्स का जो प्राइस है ना वो 2500 है, लेकिन जो फिनिशिंग है ना वो बहुत अच्छी है। जस्ट लुक एट इट, कितनी सुंदर लग रही हैं ये। तो सेकंड आइटम ये इन्होंने मुझे सेंड किया है। ओके, इसके बाद इन्होंने मुझे दिया है एक मंगलसूत्र का, फैंसी मंगलसूत्र का सेट। और ये जो मंगलसूत्र है इसका प्राइस है इंडियन रुपीज़ 1600। तो इस तरह से ये है, पेंडेंट इसका काफ़ी बड़ा है और वही मंगलसूत्र में जैसे काले मोतियों की माला होती है बिल्कुल उसी तरीके से है। और इसके जो ईयर रिंग्स हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि पेंडेंट है। तो ये ब्यूटीफुल, सच ए ब्यूटीफुल सेट। तो एक ये इन्होंने मंगलसूत्र वाला सेट भेजा है। फिनिशिंग, अगेन आई एम सेइंग, फिनिशिंग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है इनकी और बहुत अच्छा लगता है। ओके, इसके बाद जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है ये वाला सेट। आई डोंट नो ये कैमरा पे कैसा कैप्चर करेगा, लेकिन पहनने के बाद और इसका जब आप फोटो देखेंगे ना, ओ माई गॉड, इट्स सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो फिनिश्ड, इतना प्यारा सा है। और इसका जो प्राइस है दैट इज़ 3900 इंडियन रुपीज़। मैं यहाँ पे ना मोबाइल ऐसे लेके बैठी हूँ तो इसीलिए इधर देख रही हूँ, एंड दिस इज़ प्रीमियम क्वालिटी डायमंड नेकलेस। सो बहुत प्रिटी है ये, लुक बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये हैवी है थोड़ा सा, और ईयर रिंग्स हैं इसके साथ बहुत लाइट वेट वाले, बहुत ही सिंपल सोबर से। तो नेकलेस जितना हैवी है ईयर रिंग्स उतने ही सोबर हैं, और ओवरऑल जो इसका लुक आता है वो बहुत सुंदर आता है। सो दीज आर द ईयर रिंग्स, मैं सारे के सारे आपको पहन के भी दिखा दूंगी, या तो यहीं अभी स्क्रीन पे आ जाएगा या फिर मैं बाद में दिखा दूंगी, डिपेंड ऑन के वीडियो कितनी लंबी होती है मेरी। ओके, इसके बाद जो सबसे बड़ा
सेट है फाइनल, वो इन्होंने मुझे एक ब्राइडल सेट भेजा है। और मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको मेरे सेकंड चैनल बीच आर्मर पे एक ब्राइडल लुक की वीडियो चाहिए क्या, क्योंकि मेरे पास अब प्रॉपर सारी चीज़ें हैं, पूरी ज्वेलरी है मेरे पास, सो जस्ट लेट मी नो। तो जो ब्राइडल सेट इन्होंने मुझे भेजा है वो है इंडियन रुपीज़ 7600 का, एंड इट इज़ वर्थ। पहले टाइम में क्या होता था, मोस्टली जो ब्राइडल ज्वेलरी होती थी वो लोग रेंट पे ले लेते, लाइक मेरी शादी हुई थी तब मैंने जो है वो रेंट पे ही ली थी, जो पार्लर वाली दीदी होती हैं उन्हीं से ले लेते हैं, तो रेंटेड होती है। लेकिन आजकल क्या है, सभी लोग खुद से अपनी जो है वो बाय करने लगे हैं, क्योंकि इस तरह की ज्वेलरी का फैशन ज़्यादा चल गया। पहले मोस्टली लोग गोल्ड ही पहनते थे, लेकिन अब मैचिंग ज्वेलरी जो है उसका ज़्यादा फैशन है। और फिर गोल्ड पहनते हो तो भैया डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, कब कौन आके कान खींच के ले जाए, चेन खींच के ले जाए, नो वन नोस। तो ज़माना बड़ा ख़राब है, तो अपना आर्टिफिशियल जो है लोग ज़्यादा पहनने लगे हैं। चलिए कहानी ख़त्म करते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि फाइनल सेट कौन सा है। तो जो फाइनल सेट है उसका जो छोटे वाला जो चोकर स्टाइल है, सेट ही बोल दीजिए इसको, नेकलेस जो है वो ये है, बहुत ही प्यारा सा, इसमें मोती का काम है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है और गोल्ड फिनिश वाला है ये, सो ब्यूटीफुल। तो ये है ये वाला सेट। ओके, इयररिंग्स जो हैं वो इस तरह के हैं, सारा मैचिंग ही है। और अगर आपको यहाँ दिखाई दे ना तो एक ये छोटा सा हूप भी है, तो आप चाहें तो जो चेन होती है ना वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। हालांकि ये इतने हैवी नहीं है, मैंने इनका जो दूसरा सेट जो मैंने करवा चौथ पे पहना था वो भी इतना हैवी नहीं था, और मैंने पूरा दिन जो है वो सेट और लहंगा पहने रखा था, तो ऐसा नहीं था कि मेरे कान दर्द किए थे, इतने हैवी है नहीं। लेकिन अगर आपको लगे कुछ तो आप चाहें तो वो ईयर चेन जो होती है ना वो भी लगा सकते हैं। तो ये ईयर रिंग्स हैं। ओके, इसके बाद इस तरह के ये जो यहाँ पे उंगली में पहने जाते हैं, हमारे यहाँ तो पचांगले बोलते थे इनको इस तरह से, लेकिन तब ना वो पांच उंगलियों में पहने जाते थे, आजकल जो है वो सिर्फ एक उंगली के साथ की आने लगे हैं। तो ये इस तरह से है, पचांगला ही बोलते होंगे आई थिंक इसको, पचांगला बट पांच उंगलियों का होता है, ये एक उंगली का है, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये हाथ में पहनने वाला काइंड ऑफ ब्रेसलेट विद रिंग है, सो ब्यूटिफुल मैचिंग। तो ये इस तरह से है, दोनों हाथों के लिए है ये, एक ये रहा और एक ये रहा। ओके, इसके बाद एक आपको ये मिलता है, दिस इज बाजू बंद जो आप यहाँ पे पहनते हैं, तो बाजू बंद है ये, बहुत ही प्यारा सा ब्राइडल सेट, और सबसे बड़ी बात हैवी नहीं है ये, तो आराम से पहना जाएगा। इसके बाद ये है इसका टीका, टीका जो है वो मांग पट्टी वाला है, जो ये वाला इस तरह के ही आजकल चल रहे हैं, जो ये वाला होता है ना, तो जो इन्होंने करवा चौथ पे भेजा था वो सिंपल टीका था, लेकिन ये वाला जो है इस तरह का है, तो ब्यूटिफुल जैसा कि आजकल चल रहा है, तो आप देख लीजिए, दैट इज नाइस। तो ये इसका टीका है और ये है नथ इस तरह से। ओह माय गॉड, बहुत हैवी हो जाएगा, आई फील लाइक अगर मैं ब्राइडल लुक करूंगी भी तो कैसी लगूंगी। तो ये इसकी नथली है, बट ओवरऑल सेट बहुत प्यारा है, बहुत मुझे बड़ा सुंदर लगा। ओके, और ये है इसका फाइनल जो बड़े वाला नेकलेस होता है, तो पीकॉक वाला ये साइड में इस तरह से डिज़ाइन है, नीचे मोती लगे हुए हैं, और ये गोल्ड कलर का ना, और ग्रीन स्टोन, रेड स्टोन, ये इस तरह का होता है कि ऑलमोस्ट सभी ब्राइडल आउटफिट के ऊपर ना बहुत आराम से चल जाता है। तो ये इस तरह से है, और डोरी वगैरह सब कुछ यहाँ से ना, मैं हर चीज़ चेक करती हूँ चैनल पे दिखाने से पहले ना, मैं सब कुछ देखती हूँ कि हर चीज़ परफेक्ट है क्या। तो ये सारी चीज़ें मैंने चेक करी हैं, तो सारी चीज़ें अच्छे से हैं, बिल्कुल एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो दिस वॉज द ब्राइडल सेट। तो ये थी सारी की सारी चीज़ें जो मुझे SPB इमिटेशन ने भेजी हैं। अगेन सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप चेक कर लेना, और ट्राई ऑन पार्ट जो है वो मैं साथ साथ ही डाल दूंगी, बिकॉज ऑलरेडी इट इज 7 मिनट्स क्लिप, तो वो आपको साथ साथ मिल जाएगा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइज टेक केयर, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all। और आज की रेसिपी भी जरूर ट्राई करना, और हाँ प्लीज जरूर बता देना अगर ब्राइडल मेकअप आपको देखना है तो, it will be fun to do that। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, bye।